समस्त स्वागत गत काल अनुसार आम आलोचना करते कर्मधार समास आम आज आलोचना करवा बहुव्रीहि समास अव्ययीभाव समास प्रथम आम आलोचना करवा बहुव्रीहि समास कौन बहुव्रीहि समास रे समस्यमान पद मानक प्राधान्य रुहे नाही एवं समस्त पदटी गोटे अलग अर्थ को बुझाए कौन ना जो समास रे समस्यमान पद मानक पदर प्राधान्य न रही समस्त पदटी गोटे भिन्न अर्थ को बुझाए एवं यही बहुव्रीहि समास रे आम जो विग्रह वाक्य तैयारी करती से जहाद्वारा जहीरे जहाकू इत्यादि शेषे व्यवहार कर यार उदाहरण ना आम सहजरे बुझीपर मु गोटे शब्द लिखिली नीलकंठ नीलकंठ यार व्यासवाक्य लिखे कौन हम ना नील कंठरे जहार एटी ये हूँ समस्त पद ये हूँ पूर्व पद ये हूँ पर पद किंतु ये नील अर्थ कौन से बुझा पड़ानी बा कंठर अर्थ मध्य बुझा पड़ानी युट अर्थ को न बुझे ये जो समस्त पद नीलकंठ है तार अर्थ कौन ना महादेव अतए जो समास कौन सी पदर अर्थात समस्त मान पद मान प्राधान्य न रही समस्त पदटी गोटे अलग अर्थ बुझा कौन ना महादेव से भाई आम लिखिपर बीणा पाणी बीणा पाणी व्यासवाक्य कौन हम ना बीणा पाणी रे जहार बीणा पाणी कहले हाथ बीणा पाणी कहले सरस्वती अर्थात एटी जंत्र हाथ को न बुझे केवल बुझे कौन ना सरस्वती को बुझेला सेमती नील अंबर जहार से नीलांबर नील अंबर कहले वस्त्र अर्थात एटी नील वस्त्र को न बुझे नीलांबर कहले किए ना बलराम सेमती शुक्लांबर कहले किए विष्णु अटे आम जानले जे एथिरे कौन ना समस्त मान पद मान प्राधान्य रही बहुव्रीहि समास व्यावहारिक दृष्टिकोण यह साधारणतः चार प्रकार गोटे हूँ सहायता बहुव्रीहि द्वितीयटे हूँ निषेधात्मक बहुव्रीहि तृतीयटे हूँ उपमित बहुव्रीहि चतुर्थटे हूँ व्यत्यार बहुव्रीहि आम प्रथम आलोचना करा सहायता बहुव्रीहि कौन सहायता बहुव्रीहि जिते बे सह एवं समान ये जो दुईटी पद मिसी बहुव्रीहि समास हम ताको कहते सहार्थक बहुव्रीहि एवं ये सह बा सहित पद मिसिला परे शेषरे स आसिबो एवं ये जो स पूर्व पद भावरे मिसी जीवो समस्त पदरे ए यु स ये पूर्व पदर बा समस्त पदर पूर्व पद हो के ना स जिमिति स्त्री सहित अछंती जे सेवा ना शास्त्रीक जिमिति शिष्य सहित अछंती जे से कौन हम ना सशिष्य सशिष्य यही पूर्व पद स्वभाव रहिबो
आम यार उदाहरण करवा परिवार सह बा सहित अच्छा जे कौन हम सपरिवार सपरिवार सेमती सकुटुंब सबान्धव आम कही आगे कौन द्वितीय सामान जिते बे पूर्वपद सामान थी परपद सहित से बहुग्रीष्मास हम से रमी सामान तीर्थ जार तीर्थ सामान धर्म जार सदर्मा सेमती सामान उदर जार सुदर सेमती सामान सामान जाति जार यही सहार्थक अग्निर गठन हुए एवं यापर द्वितीय बहुग्री कौन ना निषेधार्थक बहुग्री निषेधार्थक बहुग्री कौन ना जो बहुग्री समास रे पूर्वपद नहीं था पूर्वपद कौन नहीं था एवं शेष जार बसी से बहुग्री समास हुए कहते निषेधार्थक बहुग्री समास नहीं अंत जहार कौन ना अनंत नहीं गाध जहार अगाध नहीं धब जहार विधवा भग कहले कौन ना स्वामी सेमती नहीं पत्नी जहार कौन विपत्निक विपत्निक आम से भी नहीं भय जहार निर्भय नहीं पाप जहार निष्पाप सेमती नहीं रोग जहार निरोग सेमती नहीं आकार जहार निराकार आम कर बर्तमान आम जा तृतीय नंबर कौन ना उपमित बहुव्रीही उपमित बहुव्रीक आम पढ़ते उपमित कर्महार पढ़े कि उपमित कौन उपमित बहुव्री से कौन ना उपमान थी पूर्वपद एवं उपमेय थी परपद एवं नहीं कौन हो बहुव्री समास कहते कौन ना उपमित बहुव्रीही समास अर्थात पूर्व पद थी कौन ना उपमान लिखी ओट मुहा ओट मुहा ओट मुहा कहले ओट मुह परी मुह जहार ओट मुहार व्यासर्ग कहला ओट मुह परी मुह जहार ये ओट मुहटा हूँ ना उपमान एवं मुहटा हूँ ना उपमेय एवं उपमित बहुव्री समास रे उपमान किछ अंश लोप पाए अर्थात यही अंशटी लोप पाए एवं एथिरे कौन पुल्लिंगवाचक शब्द तैयार होते आकार लगे और स्त्रीवाचक पद सृष्टि दीर्घिकार हुए जमी ये ओट मुहा है पुरुष यदि ओट मुही होता है स्त्रीवाचक पद होता से भाई आम कौन ना घोड़ा मुहा कौन हम घोड़ा मुह परी मुह जहार ये कौन घोड़ा मुहटा है कौन उपमान मुहटा है कौन ना उपमेय के
प्रथमे उपमान थोपर थी किए उपमेय कहते उपमित तेनाली जहार लगी जहार हूँ बहुब्री समास उदाहरण तेनालीरला कौन ना उपमित बहुब्री समास आम कर गज गमना गज गमना सेमती आम कर चांद मुही चांद चांद मुही मीन नयन परी नयन जो स्त्री मीन नयना गज गमन परी गमन जो नारी गज गमना चांद मुह परी मुह जो स्त्री कहते चांद मुही आम आलोचना करवा व्यतिहार बहुव्रीह व्यतिहार बहुव्रीह कौन ना जो बहुव्रीह समास गोटे युद्ध होर्थात परस्पर गोटे एक प्रकार युद्ध हो द्वितीया तृतीया विभक्ति चिन्ह लगे कौन ना व्यास वाक्य विग्रह वाक्य समस्त पद रे परिणत हो प्रथम पदर शेषे आकार एवं शेष पदर शेष पदर इकार व्यवहार होती कौन ना व्यतिहार बहुव्रीह अर्थात परस्पर गोटे प्रकार युद्ध जिते बड़े संघटित हुए से कौन हुए व्यतिहार बहुव्रीह समास गोटे उदाहरण केश को केश को केश धरी जो युद्ध हुए कहते कौन ना केशा केसी ये द्वितीय व्यक्ति लगी कू ये द्वितीय व्यक्ति लगी कू केश को परस्पर केश को केश धरी विधाऊँच कौन पर ना प्रथम पद शेष आकार बसला द्वितीय पदर शेष इकार बसला तेरी व्यतिहार बहुव्रीह रे समस्त पदटीर प्रथम पदर आकार और द्वितीय पदर शेष इकार युक्त होता है यहाँ द्वितीय व्यक्ति बर्तमान गोटे तृतीय व्यक्ति उदाहरण दिया ठेंगारे ठेंगारे जो युद्ध हुए कौन कहते ना ठेंगा ठेंगी ये तृतीय व्यक्ति लगे ये तृतीय व्यक्ति लगे यह आकार लगे ये शिकार लगे यही आम द्वितीय बहुव्रीह धराधरी मरामरी ठेला ठेली पेला पेली आम यही व्यतिहार बहुव्रीह तैयारी बर्तमान आम आलोचना करवा अव्ययी भाव समास कौन अव्यय भाव समास कहले जो समास अव्यय पदर व्यवहार होता है अर्थात समस्त पद जिते बड़े परिणत हुए एवं यही समस्त पदर पूर्व पद अव्यय थाए एवं ये अव्यय अव्यय गुड़िक साधारणतः उपसर्ग आमर जो उपसर्ग अच्छी प्र परा अप सम नि अधिसु यही जो कोड़े टी उपसर्ग अच्छी यानक भितर कि उपसर्ग पूर्व पदरे व्यवहार ही आउ अव्यय भाव समास सृष्टि कर एवं एगुड़िक कौन ना उपसर्ग एवं यही अव्यय भाव समास बहुत गुड़िए अर्थरे व्यवहार होता है एवं एक रे होची कौन एक रे होची विशा अर्थरे अर्थात गोटे शब्द बारंबार व्यवहार करी ताकू अव्यय भाव समास परिणत कराए जमी
घर अच्छी अटे समस्त मध्य कौन हम ना प्रति घर एवं ये प्रति घर यही अव्यय उपसर्ग अर्थात समस्त पद रे कौन उपसर्ग बा अव्यय व्यवहृत होब तुम जाना जे जो प्रति परि अनु बी नी दूर यही सब पूर्व पदरे युक्त होती से गुड़िक भाव समास अंतर्गत एवं यह विश्वास आम लिखे सीमती विश्वास आम आरिया कौन वर्ष को वर्ष प्रति वर्ष अह को अह प्रत्यह 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 सीमित थर को थर प्रति थर प्रति थर दिन को दिन प्रतिदिन वर्ष को वर्ष फी वर्ष फी वर्ष आम लिखिपर फी वर्ष तो विपसा अर्थ में अव्यय समास हुए दुई कौन हो विपरीत विपरीत अर्थरे विपरीत अर्थरे विपरीत अर्थरे कि दौर क्रियार विपरीत कह प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया घातर विपरीत प्रतिघात दानर विपरीत प्रतिदान सेमती ये कौन ना विपरीत अर्थरे तीन रे कौन तीन रे हूँ व्याप्ति ओ पर्यंत अर्थरे मरण पर्यंत कौन हम ना आमरण आमरण एक अर्थरे ना व्याप्ति अर्थरे व्याप्ति अर्थरे सीमित मूलर चूल पर्यंत आमूल चूल सीमित जीवन पर्यंत आजीवन सीमित कंठ पर्यंत आकंठ सीमित कौन हम आकंठ समुद्र समुद्र पर्यंत जन्म पर्यंत आजन्म सीमती मरण पर्यंत आमरण आजन्म सीमती आम करपर बर्तन जा चार नंबर कौन ना चार नंबर हूँ कौन ना अतिशय अर्थरे बा अतिशय अर्थरे चार हूँ कौन अतिशय घंच कह निघंच अतिशय घन निघन सीमती अतिशय अतिशय उच्च अति उच्च ये अतिशय अर्थ व्यवहार हुए पुणी आई अणु सादृश्य अर्थ व्यवहार हुए अणु उपसर्ग अणु अव्यय उप अव्यय भाई पूर्व पदरे व्यवहार ही अव्यय समास हुए जमी पश्चात गमन अनु गमन पश्चात करण अनु करण पश्चात शरण अनु अनु शरण सीमती सादृश्य अर्थरे व्यवहार हुए सादृश्य अर्थ ग्रह ग्रह
सदृश उपग्रह द्वीप सदृश उपद्वीप भाषा सदृश उपभाषा लिपि सदृश उपलिपि ये जो उप एटी मध्य उप एटी मध्य उप ये मध्य जो मध्य उप ये जो उप एगुड़ी कौन ना अव्यय या सहित जो समास कहती कौन ना अव्यय भाव समास बर्तमान आम अव्यय भाव समास पढ़े एवं मधुरी समास पढ़े एवं आम आउ गोटे समास पढ़ा जार ना हूँ नित्य समास नित्य समास नित्य समास कौन ना जो समास विग्रह वाक्य न थाए जो समास कौन विग्रह वाक्य न थाए मु गोटे उदाहरण दी पोक सुंघा कहले ये गोटे हूँ कौन ना पोक पोक जदि मुझे व्यास वाक्य करी पोक को सुंघे जे ता भूल हम तेनालीक सुंघा गुड़ी हूँ कौन ना विशेष पद बा संज्ञावाचक पद बा नामवाचक पद एगुड़ व्यास वाक्य हो पार ना सेमती नील कंदर नील कंदर कह कौन ना श्रीक्षेत्र जदि मुझे नील बटे कंदर ताहार अर्थ नील पर्वत को बुझेब श्रीक्षेत्र को बुझेब ना तेरे नील कंदर कहले श्रीक्षेत्र सेमती काठ जोड़ी कहले गोटे नईर ना जदि मुझे व्यास वाक्य करी काठ को जोड़ी जोड़ी तेल ता भूल हम तेणुक जो व्यास जार व्यास वाक्य न थाए कहती नित्य समास छार पोक छार पोक छार पोक कहले कौन ना उकुणी उकुणी जदि मुझे पोक करी व्यास वाक्यर अर्थ अनुसार उकुणी परिप्रकाश करना तेणुक बिलुआ खाई गोटे नईर ना ताकूद करवा बिला को खाए जे ताल तेणुक जो समास विग्रह वाक्य न थाए नित्य समास कहती आम आज आलोचना कले बहुव्रीह समास अव्यय भाव समास नित्य समास परवर्ती कांश रे पुणी आउ किछि नूतन प्रसंग नहीं तुम मानक पाखे उपस्थित रही से पर्यंत विदा नौ जय जगन्नाथ धन्यवाद।